दीदी आप ना मुझे शागिर्द बना दीजिए, सच कह रही हूँ मैं आपसे। मतलब सांप को भी कूट डाला और आपकी लाठी भी चमचमा रही है। वहाँ मेरा 7:30 बजे का शो नंबर 1 पहुँच गया क्योंकि सास ने पलटवार किया, और यहाँ आपने 15-15 दिन का टेलीकास्ट ही बंद करवा दिया। भाई वाह। कुसुम, अब ये सब छोड़ देते, हार जीत, इसकी टीम उसकी टीम। मुझे बस एक ही चीज चाहिए थी कि मेरा बेटा शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ अपने घर यहाँ रहे। इसके अलावा ना मुझे किसी से कोई शिकायत है और ना ही कोई गुस्सा। मेरी बहू अपनी फैमिली पे फोकस करें, तभी मेरा बेटा आकाश खुश रहे, और आकाश खुश तो मैं खुश। हैं? मतलब ये शो बंद? कुसुम, हर चीज टीवी शो नहीं होता। बस एक ही बात गलत थी कि मेरे बेटे की शादी ऐसे घर में हुई जहां सिर्फ लड़कियां थीं। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं दूसरी गलती नहीं होने दे सकती थी कि मेरी बहू जिंदगी भर अपने मायके का ध्यान रखने में लगी रहे। बस मैंने उसका इंतजाम किया है। अब सब ठीक है, अब पल्लवी यही रहेगी। अब बार-बार 15 दिन वहां जाने वाला ड्रामा खत्म। परेशान तो बहुत लग रही थी पल्लवी, और मैंने देखा उसे बाहर जाते हुए। मैंने पूछा भी कि कहाँ जा रही है, पर कुछ बोला ही नहीं उसने। बताइए, मुझे नहीं लगता दीदी कोई ड्रामा खत्म हो गया है। पक्का यकीन के साथ कह सकती हूँ ये अपने बाप से मिलने गई है। कुसुम, मैंने कहा ना, छोड़ दो अब ये बात। अपने बाप से लड़ी है वो लड़की अपने ससुराल की इज्जत के लिए। थोड़ा वक्त दो उसे, बहुत बड़ा कदम उठाया है, आसान नहीं होगा उसके लिए भी। उसे अकेला छोड़ दो, दिमाग शांत होगा तभी आकाश पर फोकस कर पाएगी। ये तो राकेश की शर्ट है, ये जानवी ने क्यों पहन रखी है? एक्चुअली कल रात रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। बेचारा राकेश सारी रात लगा रहा उसे ठीक करने में, इसी में ये शर्ट भी खराब हो गई। उस रात इनकी ऑफिस की पार्टी में ट्रूथ एंड डेयर का चैलेंज हुआ, जिसमें इनको बोला गया कि इनकी बीवी चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी शर्ट पे अगर लिपस्टिक का दाग देखेगी ना तो शक जरूर करेगी। घर की छोटी हो, छोटी बनकर रहो। जब देखो अपनी जबान चलाई जाती हो तुम। कब से समझा रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी शादी हो गई, अपने घर जा, अपने ससुराल जा, अपनी गृहस्थी संभाल, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे शांति चाहिए, शांति। तू यहाँ रहेगी ना, मुझे शांति नहीं मिलेगी। भगवान जी, आप तो ऐसे नहीं है ना, वो ऐसा कभी नहीं करते हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब? कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं है जो मुझसे छुपा रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं पापा? जब भी लो फील करते थे इस चर्च में आते थे, आज मैं लो फील कर रही हूँ। मैं भी जाके देखती हूँ, शायद मुझे मेरे जवाब मिल जाए। हे प्रभु, मेरा मन हल्का ही नहीं हो रहा, इसलिए आपके सामने आया हूँ। हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए प्रभु। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, उसका प्रायश्चित करना है। क्या पाप किया है माय सन? गॉड सबके लिए है, प्लीज कन्फेस। यस। पापा यहाँ? वो थोड़ी ना हमेशा के लिए यहाँ रहेगी, उसका काम खत्म होने के बाद उसको तो जाना ही है, और उसका तो बिजनेस का काम भी पूरा होने वाला है। तुम ना एक बार जानवी से पूछ के देखो कब जाना है उसे। हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ उससे। आई थिंक उसका ये दिल्ली का प्रोजेक्ट जल्दी खत्म होने वाला है। मैंने सही एड्रेस तो दिया ना इन लोगों को? समझ में नहीं आ रहा, गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया इनको? अभी तक नहीं आई ये लोग। वरुण रिलैक्स, आ जाएंगे वो लोग, जस्ट चिल। थैंक्स दीपू। दीपू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लोग हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गए ना तो बस सब सही हो जाएगा। हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। ओके। ओ हाय हाय। हेलो। बेहतर। हाय गाइस। हाय, आई एम गुड, आई एम गुड। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। यस प्लीज। विद माय लवली वाइफ दीपिका। Hello. Hi. Hi. I'll go for some drinks and starters. Yeah. Yeah. Just a second. Waiter. Thanks. Thank you. वरुण, हमने आपका प्रेजेंटेशन चेक किया है। पिच बहुत बढ़िया है, ब्रिलियंट। क्लैरिटी बहुत बढ़िया है, और मार्केटिंग इज ऑल्सो परफेक्ट। सीरियसली, सही कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं आप। इट्स गुड, इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। थैंक यू सो मच। और वैसे ही आपका घर वाला प्लान जो है ना, काफी अच्छा है। बीवी बच्चा संभाले और आप ऑफिस पर फोकस करें। नाइस, हैप्पी इंडियन फैमिली। हाँ हाँ, नहीं तो हर लॉन्ग ट्रिप पे बीवी लगेज की तरह साथ चल देती है। सर सर आप भी। बट नॉट सीरियसली, घर में सुंदर बीवी, अच्छे खाने के साथ सब अरेंज करके वेट कर रही हो तो ऑफिस से आने के बाद आधी थकान तो वैसे ही खत्म हो जाती है। और आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसी सेवा करने वाली वाइफ मिली है। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? ये मैडम को क्या हो गया यार? कोई गलत बात बोल दी हमने? हम तो मजाक कर रहे थे यार। एक तरह से सच ही तो है, और इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? सारे लंच का मूड खराब कर दिया यार। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ और लेंगे? I'll call for some more drinks. Just give me 2 minutes. I'll just be back. दीपू क्या है ये? एक दिन तो बिहेव नहीं कर सकती हूँ, हर दिन मेरी बेइज्जती करना जरूरी है? मैंने मिसबिहेव किया वरुण? एक तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी ना मैं रेडी शेडी होकर तुम्हारे साथ आई, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। और तुम्हारे गेस्ट मुझ पे कमेंट कर रहे हैं। व्हाई? ये प्रोफेशनल मीटिंग थी राइट, तो पर्सनल होने की क्या जरूरत थी? बोलो ना, अगर इतना ही बोलना है तो अपनी बीवी को जाके बोले ना। यहाँ क्यों बोल रहे हैं? मैं सुन के क्यों लूंगी? वो लोग सुनते होंगे बट मैं नहीं सुन के लूंगी। बकवास, मजाक कर रहे हैं वो लोग। हर चीज को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या सोचते हैं क्या करते? समाज सुधारने नहीं निकला हूं मैं। मुझे उनकी जरूरत अपनी कंपनी के बोर्ड में है। That's it, I need them. उनकी थिंकिंग बदलना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और वो लोग मेरे बारे में बोल रहे थे। बेंच मुझे हुआ, मुझ पे कमेंट्री की है। मैं बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? मैं तो एक अच्छे होस्ट की तरह चुपचाप बैठ गई थी ना। शुरू किसने किया? बोलो ना, किसने किया शुरू? तुम कितनी सेल्फिश हो यार दीपू। तुम्हें इतना सभी फर्क नहीं पड़ता कि मेरा इंप्रेशन उन पे रहे या बिगड़े। मूड स्विंग्स की आड़ में कुछ भी करती हो। ये प्रेगनेंसी है ना, ये सिर्फ बहाना है। तुम जलती हो मुझसे, you're jealous। मैं कामयाब हो रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा हूँ, तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। तुम्हें लगता है कि ये तो अब मेरे इशारों पे नाचेगा ही नहीं। That's what it is। क्या बोल रहे हो वरुण? कुछ भी बोल रहे हो। This doesn't make any sense। यही है, यही बात है। अरे हाँ भाभी, सारा सामान लिस्ट से मिलाकर ही लिया है। अभी बस रिंकू के लिए ब्राउनी लेने आई हूँ कैफे में। मिलती हूँ आपको घर पे। अरे टंडन मेरे प्राण, सबसे पहले साड़ी जो है वो उसी की दुकान पे पहुँचा दे। अभी पहुँचा देता हूँ जी। और वो जो बूढ़ा अंकल, क्या नाम है होता? वो जयदेव। हाँ जयदेव, वो जमीन दिखाने के लिए पहुँचा के नहीं? जरा चेक कर ले, वो पता पता दिखाए के नहीं। ठीक है जी, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। और जिसको फंसता हो ना, उसके नसीब में लिखा हो तो फंसता ही है वो। ये कुदरत का निजाम है, और क्या, कायदे को कोई नहीं बदल सकता। कोई शिकार होता है, कोई शिकारी। और पप्पी जी एक बात बताइए, वो बेचारे बुड्ढे के पीछे क्यों पड़े हैं हम लोग, जयदेव के? अरे वो कुड़ी पल्लवी, अरे अगर उसने मेरा प्लान नहीं बिगाड़ा होता ना तो मैं अंकल जी के यूं पीछे नहीं पड़ता। और झगड़ा जो है मैंने नहीं शुरू किया। अब देखना बर्बाद कर दूंगा मैं दोनों की जिंदगी। देखना नुकसान करा दिया उस लड़की ने पप्पी जी का, है? और क्या, तो अब मैं क्या पप्पी का जब भी देगा उसको उसके लिए। सही बात है पप्पी जी। और तू देख वो किधर पहुंचा जयदेव। सब नसीहत देते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.